कहा था ना 14 नवंबर को मार देना, वरना 15 को तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जिंदगी की सबसे बड़ी किक इसी में है। चैलेंजेस से तुझे बहुत किक मिलती है ना। मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का जोर। मैं तेरे सामने खड़ा होगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सबको सलमान खान का डेविल वाला रोल तो याद होगा ही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा के रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की किक मूवी की। जब किक मूवी रिलीज हुई थी और फिल्म को लोगों से खूब प्यार मिला था, तभी से लोगों ने ये खबर उठानी शुरू कर दी थी कि क्या किक मूवी का अगला सीक्वल देखने को मिलेगा या नहीं। पर सोशल मीडिया पर सलमान खान का रानी मुखर्जी के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान ने एक फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई है और ये सेम दाढ़ी सलमान खान ने किक मूवी में रखी थी। इसलिए सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या सलमान खान किक 2 की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। पर अभी हमें नहीं लगता कि सलमान खान इतनी जल्दी किक 2 मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सलमान खान अपनी टाइगर 3 मूवी में बिजी हैं, जो 2023 के लास्ट में रिलीज होनी है। उससे पहले तो सलमान खान किसी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने से रहे, लेकिन हो सकता है कि टाइगर 3 मूवी के बाद वो किक 2 मूवी की शूटिंग शुरू कर दे। अगर टाइगर 3 मूवी के बाद सलमान खान किक 2 मूवी की शूटिंग शुरू करते हैं, तो ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में तो सलमान खान किक 2 मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे और शूटिंग में भी काफी समय लगेगा। इसलिए हो सकता है कि अगर किक 2 मूवी बनेगी तो ये हमें 2025 में देखने को मिले। पर एक बात तो पक्का है कि किक मूवी का सीक्वल जरूर बनेगा, क्योंकि काफी समय पहले मेकर्स की तरफ से किक मूवी के सीक्वल लाने की बात कर दी गई थी, पर अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। पर हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला को फिल्म की स्टोरी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दे। अब देखना तो ये होगा कि फिल्म में हमें पहली वाली कास्टिंग देखने को मिलती है या नहीं। किक मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिले थे, जिनकी एक्टिंग ने फिल्म को खूब कमाई करके दी थी। पर अभी फिल्म के सीक्वल की कास्टिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। पर सलमान खान का फिल्म में रोल तो पक्का है। अब देखना तो ये होगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होती है। क्या फिल्म की स्टोरी को पिछली वाली मूवी से ही स्टार्ट किया जाएगा या फिर साजिद नाडियाडवाला फिल्म की स्टोरी को चेंज कर रहे हैं। अभी जानने के लिए हमें फिल्म की अनाउंसमेंट के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म की अनाउंसमेंट होने के बाद ही फिल्म की रिलीज डेट और फिल्म की स्टोरी क्या होगी, इन सभी चीजों को लेकर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर एक बात तो पक्की है कि फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी, और अगर फिल्म में हमें पिछली वाली कास्टिंग देखने को मिलती है तो फिल्म अपने पिछले वाले पार्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। पर एक बात तो पक्का है कि मेकर्स ने किक मूवी के सीक्वल को लाने में काफी समय लगा दिया है। किक मूवी का फर्स्ट पार्ट हमें 2014 में देखने को मिला था, और इतने लंबे समय के बाद अब फिल्म को लेकर कुछ खबरें सामने आनी शुरू हुई है। पर अभी भी फाइनल नहीं है कि फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी, ये जानने के लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।